संत का मतलब उस केवल ये नहीं है कि चंदन लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, वो क्या कहते हैं हाथ में ओ रुद्राक्ष चाहे माला फेरना शुरू किया, नहीं नहीं ओ संत नहीं, जिसका वासनाओं से अंत हो गया वही संत हो गया। जो गृहस्थ आश्रम में भी रह करके उस अंत को जान गया, इस माया के अंत को जान गया, वही संत हो गया। तो एक समर्थ रामदास जी जब गए किसी गांव में, तो उस गांव में बड़े लोग थे, तो गांव के लोग अच्छा देखिए ये हमन इतना चालाक है ना, सोचता है गुरु जी की यहाँ एक ही बार जाएं और बांध करके लेकर चले आए कुछ बाकी। अच्छा हमें आप बताएंगे, सुने हैं आप लोग कहीं कि एक ही बेर के भोजन किए पूरा जीवन चल जाएगा, कहीं सुने हैं कि एक ही बार दाढ़ी बनवाने के बाद दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा, कहीं सुने हैं एक ही बार कपड़ा साफ करने के बाद कपड़ा साफ नहीं करना पड़ेगा, कहीं सुने हैं कि आदमी नौजवान ही रहेगा बूढ़ा नहीं होगा, कहीं सुने हैं कि होगा तो वर्षा ही होगा, कभी सर्द नहीं होगी, सर्द ऋतु होगी तो गर्मी नहीं होगा, कैसे कभी सुने हैं केवल दिन नहीं होगा रात नहीं होगी। भूगोल शास्त्री बताते हैं ना, इस धरती के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, लेकिन 6 महीने की रात भी होती है, नोट करिएगा, ऐसा नहीं दिन ही दिन, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो जब यह चंद, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि गुरु जी के यहां जाओ और एक ही बार लेकर चले आओ। अरे सब टोटल पाखंड और ढोंग है, ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं जो बोलते हैं बाबा जी कि मुझको इतना पैसा दे दो और तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे। अरे भैया बताओ, पूजा करेंगे आप तो हमको कैसे मिलेगा। विद्यानंद सरस्वती जी आप यहां पर एज द मतलब प्रबंधक रहे हैं और आप बोले, और महाराज जी भी प्रबंधक हैं, अध्यापक भी लोग बैठे हैं, सर्वात्मानंद जी वगैरह प्रधानाचार्य हैं यहां पर, ये बताइए आप बोल दें कि भैया एक काम करो, एक वर्ष की फीस जोड़ करके जमा कर दो और 10,000 रुपया घूस दे दो, अपने बच्चे को घरे रखो, हम यहीं से पढ़ा करके भेज दिया करेंगे, हो सकता है।